Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to read class 3 computer chapter 4 touch typing play with text editor chapter ka full chapter explanation with hands on activity solution is video mein hum log dekhne ja rahe hain. Chaliye video start karte hain. Before starting, if you are new in channel, subscribe, dekhiye niche subscribe ka button diya hua, right side bell icon press kare for the new upcoming video from Technical Asif YouTube channel. Chaliye video ko start karte hain. The learning objective of this chapter is, after the completion of this chapter, learners will be able to understand the basic touch typing. है ना, touch typing basically क्या होता है ये chapter के अंदर आप समझ जाएंगे. How to open a document, document कैसे open किया जाता है ये जान जाएंगे. Identify the location of alphabet and number keys through touch typing. Touch typing के through आप alphabet keys और number keys जो keyboard में होता है उसको आप जानेंगे, उनका location पता हो जाएगा आपको. एंड देन हाउ टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट ये भी आप सीख जाएंगे. तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना. हैव अ सेकंड, क्लोज हो गया है. ठीक है, नाउ सबसे पहले डोबो है टोबो. आई हैड माई फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट टच टाइपिंग. डू यू नो वॉट इज टच टाइपिंग? टोबो इज सेइंग टच टाइपिंग इज अ मेथड ऑफ टाइपिंग विद द टाइपिस्ट टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, है ना. तो डोबो टोबो आपस में बात कर रहे हैं. डोबो बोल रहा है अपने फ्रेंड को, क्या तुमने टच टाइपिंग के बारे में सुना है? तो टोबो बोलता है यस मैंने सुना है. तो टोबो क्या बता रहा है, टच टाइपिंग एक ऐसा मेथड है टाइपिंग. टाइपिंग जो हम कंप्यूटर में जब कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उस प्रोसेस को एक्चुअली हम लोग टाइपिंग बोलते हैं. इन इधर टाइपिस्ट टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड. यहाँ पे टाइपिस्ट टाइप तो करता है कीबोर्ड से, लेकिन कीबोर्ड को देखे बिना टाइप करता है, विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड. नाउ डोबो वो इज इट पॉसिबल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टच टाइपिंग? तो डोबो बोलता है ये पॉसिबल है, क्या बेनिफिट है टच टाइपिंग का? तो क्या बोलता है, टच टाइपिंग इज पॉसिबल इफ वन प्रैक्टिसेस रेगुलरली. तब बोला जाता है कि टच टाइपिंग तभी पॉसिबल है जब आप उसको रोज रेगुलरली, जैसे मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह टच टाइपिंग को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना हो. एज विथ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड. अब जितना प्रैक्टिस करोगे कीबोर्ड में टाइप करने का, उतना आपको कीज जो है कीबोर्ड का याद होता जाएगा. जैसे अगर आपके घर पर रिमोट है तो उसका वॉल्यूम अप और डाउन बटन, चैनल अप एंड डाउन, ये बटन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है क्योंकि आप उसको रोज प्रैक्टिस करते हैं. उसी तरह कीबोर्ड का भी जो कीज है, अगर आप रोज उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न द लोकेशन ऑफ एवरी कीज ऑन द कीबोर्ड. मीन्स आप फिर बिना देखे ही कीज का, आप देखे बिना कीबोर्ड से टाइप करेंगे. जैसे रिमोट का, आप एसी का रिमोट या फिर टीवी का रिमोट आप देखे बिना टाइप कर देते हैं टच करके. नाउ टच टाइपिंग कैन इम्प्रूव आवर इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड एंड रिड्यूस एरर. इसके अलावा टच टाइपिंग क्या करता है, हमारे टाइपिंग के स्पीड को भी बढ़ाता है और एरर्स को कम करता है. बिसाइड इट्स ऑल्सो अबाउट अडॉप्टिंग हेल्दी कंप्यूटर हैबिट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी एंड टू प्रोवाइड इंक्रीज्ड कम्फर्ट. डोबो लास्ट वीक आई वेंट टू द बैंक विथ माई मदर. देयर आई सॉ स्टाफ ऑफ द बैंक वेयर टाइपिंग ऑन देयर कीबोर्ड विदाउट लुकिंग एट द कीज. अब डोबो बोला लास्ट वीक वो बैंक गया था अपनी मम्मी के साथ, वहाँ उसने देखा था जो स्टाफ है बैंक का वो कीबोर्ड से टाइप तो कर रहा था लेकिन कीबोर्ड जो है वो देख नहीं रहा था, वो मॉनिटर की तरफ देख रहा था. आई एम श्योर दे मस्ट प्रैक्टिस द लॉट. टच टाइपिंग इज द एबिलिटी, इसको अंडरलाइन कीजिए, टू टाइप फास्ट विदाउट हैविंग टू लुक एट द कीबोर्ड. तो टच टाइपिंग क्या एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें हम लोग वेरी फास्ट, है ना, हम लोग फास्ट टाइप करते हैं विदाउट हैविंग टू लुक एट द कीबोर्ड. मतलब कीबोर्ड के देखे बिना हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, उसी को हम लोग टच टाइपिंग. टच मतलब फील करके, कीबोर्ड को टच करके, फिंगर से टच करके हम लोग टाइप करते हैं, ना कि देख के. फादर इफ यू नो हाउ टू टाइप देन यू कैन लर्न टू टच टाइप बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. फादर फिर क्या बोल रहे हैं, अगर तुम जानते हो टाइप करना तो तुम सीख सकते हो इस स्टेप से कि कैसे टच टाइप में काम होता है. सबसे पहले यू हैव टू नो द होम की. सबसे पहले आपको होम कीज के बारे में जानना होगा. देखिए कीबोर्ड का होम कीज कौन कौन सा है. These are the most important keys used during touch typing. There are different home keys for different fingers, है ना. Most important जो है कीबोर्ड में आपको सबसे पहले जो जानना है टच टाइपिंग, वो होम कीज के बारे में जानना है, ठीक है. और यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट होम कीज है डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स के लिए.
देयर आर डिफरेंट होम कीज फॉर डिफरेंट फिंगर. देखिए हमारे पास फाइव हैंड फाइव फिंगर्स लेफ्ट हैंड में है और फाइव फिंगर्स राइट हैंड में, और हर एक फिंगर्स का कुछ होम कीज होता है कीबोर्ड में. क्या होता है अभी देखेंगे. ऑन योर लेफ्ट हैंड प्लेस योर स्मॉलेस्ट पिंकी फिंगर ऑन ए. देखिए ये जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट फिंगर है एरो देखिए मेरा, इसको हम लोग पिंकी फिंगर बोलते हैं. ये ए अल्फाबेट में रहता है. उसी तरह उसी के बगल में आपका ये जो फिंगर है इसको हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं, और ये आपका किस में रहता है, ये आपका एस में रहता है. ठीक है, उसी तरह मिडिल फिंगर जो सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर होता है ये वाला, ये आपका कौन सा लेटर में रहता है, कीज में रहता है कीबोर्ड का, दैट इज ऑन टू द डी. एंड पॉइंटर फिंगर जिसको हम लोग इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, ये आपका किस में, देखिए एफ में. तो ए एस डी एफ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. उसी तरह आपका जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो हम लोग स्पेस बार की में रखते हैं, और राइट हैंड का भी जो थंब है वो देखिए स्पेस बार की में. अब राइट हैंड का जो फिंगर्स है, जो पॉइंटर फिंगर है, देन मिडिल फिंगर है, फिर आपका रिंग फिंगर है, और जो पिंकी फिंगर है उसका क्या यूज़ है, उसका देखिए कौन से लेटर्स पे रहता है. ऑन योर राइट हैंड प्लेस योर स्मॉलेस्ट पिंकी फिंगर. देखिए राइट हैंड का स्मॉलेस्ट पिंकी फिंगर कहाँ पे रहता है, सेमी कॉलन बोलते हैं जिसपे ये पॉइंट आउट रहता है, मतलब रखा रहता है. उसी तरह आप रिंग फिंगर राइट हैंड का देखेंगे तो वो एल पे रहता है. यहाँ देखिए एल पे है, यहाँ पे ये एल पे है, मैं फिंगर से मतलब ये कर्सर से दिखा रहा हूँ माउस का. और मिडिल फिंगर अगर आप देखोगे तो वो के में है, ये वाला के में है. और उसी तरह अगर आप पॉइंटर फिंगर को देखोगे तो वो जे में, ये देखिए जे में. ठीक है, इस तरह से हम लोग फिंगर को प्लेस्ड करते हैं कीबोर्ड. ठीक है ना, योर थम्स प्लेस बोथ ऑफ योर थम्स ऑन टू द स्पेस बार. और जो थम है आपका दोनों वो कहाँ रखेंगे हम लोग, स्पेस बार पे रखते हैं. थम्स दोनों कहाँ रहेगा, स्पेस बार. प्लेस बोथ ऑफ योर थम्स ऑन टू द स्पेस बार बट पोजिशन ईच हैंड थम इन सच ए वे दैट इट्स रफली अंडरनीथ द की इट्स पॉइंटर फिंगर. ठीक है, पॉइंटर फिंगर के नीचे रहता है ये के दुखे दोनों आपका स्पेस बार. तो यहाँ पे अभी मैंने एक टेबल बनाया, इसको आप कॉपी में याद कर सकते हैं देख के, कि लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर ए अल्फाबेट में रहता है, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर एस में रहता है, देखिए दिखा भी रहा है, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर जो है वो आपका डी लेटर में रहेगा, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर को हम लोग पॉइंटर फिंगर भी बोलते हैं, एफ में रहेगा. उसी तरह राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर जे में रहेगा, राइट हैंड का मिडिल फिंगर के में रहेगा, राइट हैंड का रिंग फिंगर एल में रहेगा, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, और राइट हैंड का पिंकी फिंगर सेमी कॉलर. ऑलवेज रिमेंबर दैट द होम कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू विश टू लर्न द टच टैपिंग. अगर आपको टच टैपिंग सीखना है तो आपको जरूर याद रखना होगा आपका होम कीज जो पांच पांच दोनों में. देयरफॉर एज सून एज यू मूव अ फिंगर फ्रॉम द होम की मेक इट अ पॉइंट टू ब्रिंग द फिंगर बैक ऑन टू द होम की इमीडिएटली आफ्टर टैपिंग द लेटर. तो ये आपको चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो यू शुड नो कि जब भी आप होम फिंगर से जो भी लेटर आप टाइप कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो होम फिंगर उसको अपने पोजीशन पे बैक ले आना है, उसके होम की पे ले आना है. फॉर एग्जाम्पल यू मूव योर लेफ्ट मिडिल फिंगर विच वॉज ऑन द होम की डी, है ना, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर डी पे रहता है, टू टाइप लेटर फॉर एग्जाम्पल ई. ठीक है, टू टाइप लेटर एग्जाम्पल ई, मान लो डी के आसपास में अगर ई है तो डी पे जो फिंगर रखा उसी से आप ई टाइप कर सकते हो. तो प्लेस द फिंगर बैक ऑन टू इट्स, तो ई टाइप करने के बाद फिर से उस फिंगर को आपको कहाँ ले आना है, डी पे. मीन्स डी के आसपास में जो और की है ई है और कुछ भी तो कीज है, कहीं टेन फिंगर्स है तो नहीं हो जाएगा, टेन कीज को प्रेस करने से तो नहीं हो जाएगा, कीबोर्ड में और भी है. तो अगर मान लो आप देखोगे कि डी जो फिंगर है जहाँ पे डी की पे फिंगर रखा हुआ है उसके आसपास में ई है, तो आप डी से जिस फिंगर को टाइप कर रहे हो, जिस फिंगर का यूज करके आप डी टाइप कर रहे हो उसी से आप ई भी टाइप करोगे. लेकिन ई टाइप करने के बाद आपको वापस से उस फिंगर को कहाँ रख देना है, प्लेस द फिंगर बैक ऑन टू इट्स होम पोजिशन इन दिस एग्जाम्पल लेटर डी आफ्टर टाइपिंग द लेटर ई. यहाँ देखिए यहाँ डी जो है, ये डी अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो डी के ऊपर जरा सा ई है, तो आप चाहे तो अपना मिडिल फिंगर जो लेफ्ट हैंड का उसे ई प्रेस कर सकते हो, फिर से आप ई प्रेस करने के बाद डी में वापस आपको फिंगर को ले आना, यही बताया जा रहा है. उसी तरह अगर आप देखोगे कि अगर आपका एस है तो एस के ऊपर डब्ल्यू आप प्रेस कर सकते हो, फिर आपको अपना फिंगर जो लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर को एस में वापस ले आना. उसी तरह से अगर आप देखोगे अगर आपको क्यू टाइप करना है तो आपका लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर ए में रहता है तो उसके ऊपर क्यू को दाब करके फिर से वापस आपको फिंगर लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर को ए में रख देना. उसी तरह आपका जे के एल जो राइट हैंड का फिंगर उसमें आपका यू आई ओ पी जो ये सारे को भी आप प्रेस कर सकते हैं.
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देयरफॉर एज सून एज यू हैव मूव ए फिंगर फ्रॉम द होम की मेक इट ए पॉइंट टू ब्रिंग द फिंगर बैक ऑन टू होम की इमीडिएटली आफ्टर टाइपिंग द लेटर। फॉर एग्जाम्पल यू मूव योर लेफ्ट मिडिल फिंगर विच वॉज ऑन द ई डी टू टाइप लेटर ई फॉर एग्जाम्पल। ये हम लोग तभी पढ़ी लिए, आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू सेंटेंस प्लेस योर फिंगर बैक ऑन टू द होम। जब भी आपको न्यू लेटर टाइप करना है तो पहले आप अपने फिंगर को होम की इस पर रख दीजिए, जैसे ए एल डी ए और इधर हो गया जे के एल सेमी कॉलन और स्पेस बार पे दोनों थंब। दिस विल हेल्प यू रिमेंबर वेयर यू आर ऑन द कीबोर्ड। अगर होम की इस पर आप वापस रख दोगे तो आपको याद रहेगा आपके माइंड में कि मेरा फिंगर जो है वो कहाँ पे, इसीलिए वापस रख दिया जाता है। दोबो आई एम नॉट श्योर हाउ आर यू नो विच फिंगर टू यूज व्हेन आई प्रेस ईच की। दो बोला मुझे मैं श्योर नहीं हूँ कि How I will know which finger to use when I press each key. ये डोबो बोल रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ऐसा फिंगर है जिसका यूज करके मैं हर एक की को प्रेस कर लूंगा। तो डोबो डोबो द आंसर इज सिंपल, लुक बैक एट द फिंगर योर फिंगर अगेन एंड प्ले देम ऑन देयर होम कीज। ईच की सॉरी ईच ऑफ द होम कीज हैव बोथ अ की अबव देम एंड ए की अंडरनेथ। देखे अब ए के ऊपर क्यू है और ए के नीचे जेड है, तो ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर से आप क्यू भी टाइप कर सकते हो और जेड भी। लेकिन जब भी आप क्यू टाइप करोगे फिर तुरंत आपको ए में अपना पिंकी फिंगर लेफ्ट हैंड का रख देना। उसी तरह आप लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर से जेड भी टाइप करोगे लेकिन फिर वापस तुरंत आपको ए में वापस ले आना है लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर। उसी तरह एस में अलग से डब्ल्यू करोगे, एस के नीचे एक्स करोगे, डी के ऊपर ई है, डी के नीचे सी है, एफ के ऊपर आर है, एफ के नीचे वी है। उसी तरह जे के ऊपर में यू है, जे के ऊपर में आई है, एल के ऊपर में ओ है। अब ये आप क्लोजेस्ट देख करके अपने हिसाब से, जैसे जे के नीचे आप एन को भी यूज़ कर सकते हैं राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर से, आप एन भी कर सकते हैं, एम भी कर सकते हैं। के से राइट हैंड का मिडिल फिंगर से आप ये वाला सेमी कॉलन भी यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉमा देख सकते हैं। राइट हैंड साइड का एल फिंगर से जो आपका रिंग फिंगर है उसे आप ग्रेटर देन दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको याद रखना होगा कि कौन सा की उसके क्लोज में उस फिंगर का यूज आप करेंगे, आइदर लेफ्ट हैंड और राइट। फॉर एग्जांपल द होम की ए हैज द की क्यू ऑन द टॉप ऑफ इट एंड जेड अंडरनेथ इट। जैसे मैंने बताई ए के ऊपर में क्यू, ए के नीचे में जेड है, तो ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ए के ऊपर क्यू या जेड को प्रेस करोगे तो वापस आपको होम की ए में रख देना है फिंगर, इससे आपको याद रहेगा कि आपका की कहाँ पे है। So if you need to type quickly, you would use your left pinky finger, little finger to type Q A Z. तीनों को type करने के लिए आप use करोगे। So if you want to type letter A Q Z, तो इसके लिए left hand का pinky finger आप use कर सकते हैं। उसी से W S X करने के लिए left hand का ring finger। उसी तरह E D C अगर type करना है तो left hand का middle finger। उसी तरह R F B अगर आपको type करना है तो left hand का इंडेक्स या पॉइंटर फिंगर। ना आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह राइट हैंड में अगर जे के ऊपर यू है, जे के नीचे एम है, तो राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर या पॉइंटर फिंगर से यू जे एम तीनों टाइप कर सकते हो, एच भी कर सकते हो, वाई भी कर सकते हो, एन भी कर सकते हो, जे के आसपास का जितना कीज है उसको आप कर सकते हो, है ना। उसी तरह आप के लिए आई ओ ये दोनों यूज कर सकते हो, नीचे का कॉमा एल बताया ही मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलर यू विल यूज योर राइट पॉइंटर फिंगर टू टाइप यू जे एंड एम, वही सब है। Do which finger do we use for the keys Y, H, G, T and B that are not on top or underneath below any home keys? अब देखिए Y, H, G, T की अगर बात करें और B का, तो ये टॉप में नहीं है ना अंडरनीथ है किसी भी होम कीज की, इसको कैसे यूज करें? Do we simply use the pointer finger that is closest to the, ये तो इसके लिए हम लोग pointer finger का यूज करेंगे। कैसे देखिए अभी अगर हम लोग आएंगे, so we would use the right pointer pointer to press that Y key and left pointer to press that T key। यहाँ देखिए आपका pointer finger left hand का F में है और right hand का pointer finger आपका J में है, तो obvious है F के करीब में G है ना, तो G के लिए आप left hand का pointer finger use करोगे और H के लिए आप right hand का pointer finger use करोगे कि J के करीब में H है,
तो जे में आपका राइट हैंड का पॉइंटर फिंगर है और एफ में आपका लेफ्ट हैंड का पॉइंटर फिंगर है। तो जी के लिए आप लेफ्ट वाला पॉइंटर यूज करोगे और एच के लिए राइट हैंड का पॉइंटर फिंगर है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ बताया गया है वही चीज को। सो वी वुड यूज राइट पॉइंटर टू प्रेस वाई की एंड द लेफ्ट पॉइंटर टू प्रेस टी, है ना। वाई और टी के लिए बताया गया, तो वाई और टी के लिए देखिए, वाई के लिए आप क्या करोगे, इसी के नीचे देखो एफ के ऊपर टी है तो ये लेफ्ट हैंड का पॉइंटर फिंगर हो जाएगा और वाई जो है आपका जे के करीब में है तो राइट हैंड का पॉइंटर फिंगर से वाई टाइप हो जाएगा। ये सब देखना है आपको फिंगर को जब आप पॉइंट करोगे कीबोर्ड में। तो रिमेंबर दैट पॉइंटर फिंगर विल बी यूज्ड क्वाइट अ लॉट एज कम्पेयर टू अदर फिंगर, सबसे ज्यादा पॉइंटर फिंगर का भी यूज होता है। ऑब्जर्व द कीबोर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द अल्फाबेट कीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर जी। जी के लेफ्ट साइड में कौन कौन सा अल्फाबेट कीज है, एक्टिविटी कर लीजिए। ए एस डी एफ है, देख लीजिए, लिख दिया मैंने। Which finger you will use to type letter G? Letter G type करने के लिए F के बगल में, तो obviously left hand का pointer finger या index finger लिखेंगे। Name the alphabet keys on the right hand side of letter B of the row underneath home keys alphabet keys, है ना। अब बोला वो alphabet keys बताइए on the right hand side of letter B, B है B के right side में, ठीक है, underneath home key, home key नीचे है, के नीचे है, तो alphabet keys N और M है, आप देख रहे हैं। Which finger you will use to type letter B? अब letter B type करने के लिए कौन सा finger use करोगे? तो देखिए यहाँ से J है और यहाँ से F है, तो आप दोनों से कर सकते हो। F के भी करीब B है और J के करीब भी B है, तो left hand का pointer finger भी use कर सकते हैं और right hand का pointer finger, ये आप पे depend करता है आप किससे type करोगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया left hand pointer finger, it is okay. Now place your finger on the home keys and write key which finger you will use to press the following alphabet key on the keyboard. तो देखिए आप पूरा लेटर यहाँ लिखा हुआ है और उसके लिए कौन सा हैंड का कौन सा फिंगर यूज होगा ये आपको लिखना। तो ये मैंने एक्टिविटी लिख दिया, आप इसको लिख लीजिए। ए के लिए लेफ्ट हैंड पिंकी फिंगर, बी के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर, सी के लिए लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, डी के लिए लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, ई के लिए लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, एफ के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर, जी के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर, एच के लिए राइट हैंड पॉइंटर फिंगर, आई के लिए राइट हैंड मिडिल फिंगर, जे के लिए राइट हैंड पॉइंटर फिंगर, के लिए राइट हैंड मिडिल फिंगर, एल के लिए राइट हैंड रिंग फिंगर, एम के लिए राइट हैंड पॉइंटर फिंगर, उसी तरह एन के लिए राइट हैंड पॉइंटर फिंगर, ओ के लिए राइट हैंड रिंग फिंगर, पी के लिए राइट हैंड पिंकी फिंगर, क्यू के लिए लेफ्ट हैंड पिंकी फिंगर, आर के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर, एस के लिए लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, टी के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर, यू के लिए राइट हैंड पॉइंटर फिंगर, वी के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर, डब्ल्यू के लिए लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, एक्स के लिए लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, वाई के लिए राइट हैंड पॉइंटर फिंगर, जेड के लिए लेफ्ट हैंड पिंकी फिंगर। Now type the following words using the home keys, आप इस टाइप करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो वो इट्स नॉट ईजी, आई एम आस्किंग मिस्टेक वेन आई टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो वो बोल रहा है कि ये आसान नहीं है, मुझे टाइप करने में बहुत सा मिस्टेक हो रहा है कीबोर्ड से, बिना कीबोर्ड को देखे। तो फादर बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या बोले फादर, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा जिससे तुम परफेक्ट बन सकते हो। इफ़ यू विश टू लर्न टच टाइपिंग यू शुड ऑलवेज टाइप फॉलोइंग द रूल्स ऑफ टच टाइपिंग। इट मे अपीयर डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग बट विद प्रैक्टिस यू विल लर्न टच टाइपिंग। प्रैक्टिस का आपको जरूरत है टच टाइपिंग अगर आप सीखना चाहते हो। डोबो फादर व्हाट अबाउट टाइपिंग नंबर, सर नंबर को टाइप करने के लिए क्या करना होगा। विच फिंगर शुड आई यूजिंग, आई बी यूजिंग टाइपिंग नंबर यूजिंग टच टाइपिंग। वी कैन यूज द नंबर रो अबव द अल्फाबेट कीज फॉर एंटरिंग और टाइपिंग नंबर। देखिए आप लेफ्ट हैंड का पिंकी फिंगर वन में रहेगा, लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर टू में, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर थ्री में, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स और पॉइंटर फिंगर फोर में, और फोर और फाइव दोनों प्रेस होगा इससे, और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर सिक्स में, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर सिक्स और सेवन दोनों में रहेगा, मिडिल फिंगर एट में, रिंग फिंगर नाइन में और पिंकी फिंगर जीरो में, ठीक है। इंडेक्स फिंगर से यहाँ दो दिखा दिया ऐसे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पिंकी फिंगर से वन भी होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है उससे दो कीज दिखा दिया, ठीक है। यहाँ सिक्स सेवन दोनों हो जाएगा, यहाँ फोर फाइव दोनों हो जाएगा इंडेक्स फिंगर, इसीलिए एक कलर भी दिखाया है। राइट हैंड कीज लेट स्टार्ट विथ नंबर की सेवन एट नाइन एंड जीरो। टू टाइप द सेवन की वन शुड यूज द राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, है ना। सेवन टाइप करने के लिए यह यूज करेंगे राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर जैसे दिखा रहा है। की विथ नंबर एट, नंबर एट के लिए हम लोग राइट हैंड का मिडिल फिंगर, देखिए यहाँ राइट हैंड का मिडिल फिंगर है।
टू टाइप द नंबर की 9 के लिए राइट हैंड मिंग फिंगर एंड 0 के लिए राइट हैंड का पिंकी और लिटिल फिंगर. पिंकी और लिटिल फिंगर एक ही होता है. और लेफ्ट हैंड के लिए भी देखिए, लेट्स स्टार्ट विद नंबर कीज 4, 3, 1, 2. द लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर इज यूज टू टाइप द 4 की. 4 की आपको करना है तो टू टाइप 3 के लिए लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर, 2 के लिए लेफ्ट रिंग फिंगर, 1 के लिए टाइप लिटिल और पिंकी फिंगर. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 के लिए पिंकी, 2 के लिए मिडिल लेफ्ट हैंड का. ये तो हो गया. बोथ द 5 and 7 कीज आर टाइप विद द लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर एज इट इज इजियर टू रीच दीज कीज यूजिंग लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर. देखिए 5 और 6 दोनों को अगर आपको टाइप करना है तो इसके लिए लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का आप यूज कर सकते हैं, है ना. राइट हैंड का भी लेफ्ट हैंड दोनों कर सकते हैं. बोथ 5 and 6 आर की टाइप विद द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर एज इट इज इजियर टू रीच कीज विद द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 5 और 6 के लिए. ठीक है, 5 और 6 के लिए लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर 5, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर से 5 और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर से 6 कर सकते हैं, या दोनों का आप यूज करके एक दूसरे पे यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं. अब ये फिर से एक एक्टिविटी दिया है. प्लेस योर फिंगर ऑन द होम कीज एंड राइट विच फिंगर यू विल यूज टू प्रेस द फॉलोइंग नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड. तो 0 के लिए राइट हैंड पिंकी फिंगर, 1 के लिए लेफ्ट हैंड पिंकी फिंगर, 2 के लिए लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, 3 के लिए लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, 4 के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर. उसी तरह 5 के लिए लेफ्ट हैंड पॉइंटर फिंगर, 6 के लिए राइट हैंड पॉइंटर फिंगर, 7 के लिए राइट हैंड पॉइंटर फिंगर, 8 के लिए राइट हैंड मिडिल फिंगर, 9 के लिए राइट हैंड पिंकी फिंगर, सॉरी राइट हैंड रिंग फिंगर. तो इसको भी आप लोग कर लीजिए. फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, असेसमेंट दिया हुआ है, ये सब प्रैक्टिस का आपको प्रैक्टिस करना है. आई होप कि वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. हैंड्स ऑन एक्टिविटी और मैंने पूरा टच टैपिंग कैसे करते हैं वो बता दिया, फिंगर का कैसे यूज करना है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नीचे बेल आइकन दिया फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. शेयर करें चैनल को अगर आपको समझ में आया. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.